ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सनातन धर्मियों में, वैष्णवों में यह सर्वाधिक किया जाने वाला संबोधन है, भगवान श्री कृष्ण आज के युग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त देवता हैं। उन्होंने जीवन में जीवन को जैसा है वैसा उन्होंने स्वीकार किया। भगवान कृष्ण के और भगवान श्री राम के जीवन में बहुत अंतर है। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी और चंद्रमा अमृत तत्व का कारक है, वो आनंद प्रदाता है। भगवान राम सूर्यवंशी, उनका जीवन मर्यादा से, जीवन उनका तपा हुआ अग्नि के समान, ये अंतर है दोनों के जीवन में। हम सांसारिक व्यक्तियों की सबकी कामना रहती है, कामना हमारी पूर्ण होती रहे, और इस दृष्टि से कृष्ण सर्वाधिक उपयुक्त देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो बीज मंत्र है वो है क्लीन, वो काम बीज कहलाता है, जो कामनाओं की पूर्ति करता है। कृष्ण की उपासना में हम किसी भी मंत्र का जप करें, उनका ध्यान करने के बाद सबसे पहले उनके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। क्लीन दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्, क्लीन नमो नमः। यह भगवान कृष्ण की गायत्री है। इस मंत्र का जप करके फिर हम उनके किसी भी मंत्र का, अन्य मंत्र का जप करें। बहुत मंत्र है कृष्ण के, जिसमें हमारी श्रद्धा हो, जो हमें किसी गुरु से मिला हो, हम उसका जप करें। मैं सामान्य से उपयोगी मंत्र की चर्चा करना चाहूँगा। सामान्य हमारी सबकी लालसा रहती है कि जो भी हमारी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे, उसके लिए श्रींग ह्रींग क्लींग गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, क्लींग ह्रींग श्रींग, ये मंत्र बहुत सहायक है। इस मंत्र का किसी भी कामना विशेष की पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान विशेष भी किया जा सकता है, और यदि नहीं तो हम इसको केवल हमारे नियमित पूजन में इसको शामिल कर लेते हैं तो ये मंत्र स्वतः कामनाओं की पूर्ति इस मंत्र की कृपा से होता रहता है। इस मंत्र की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और कृष्ण की कृपा से उस व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति स्वतः ही होती रहती है। कृष्ण के मंत्रों का जप सर्वाधिक उपयुक्त रहता है तुलसी की माला पर या फिर मोती की माला पर। कृष्ण की उपासना सुदामा जी ने जिस मंत्र से की वो है श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से सुदामा जी कृष्ण की उपासना करते थे, और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने सुदामा पर किस तरह कृपा की अब सब जानते हैं। सामान्य रूप से मुझसे कई व्यक्ति कहते हैं कोई ऐसा मंत्र जो मानसिक जप के रूप में लिया जा सके। भागवत जी में एक मंत्र आता है जो मानसिक जप के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। उसको चलते फिरते किसी भी अवस्था में मानसिक जप, उसको चलते फिरते अपने सांसों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है। वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण की सारी शक्ति राधा तत्व में सम्मिलित है, समाई हुई है। राधा के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं हैं, अधूरे हैं वो। इसलिए यह मंत्र जब तक राधा से संयुक्त नहीं होगा उतना प्रभावी नहीं होगा। तो इस मंत्र में श्री के रूप में राधा को सम्मिलित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय के आगे श्री जोड़ने से यह मंत्र राधा से संयुक्त हो जाता है और सतह स्वत कामनाओं को पूर्ति करता रहता है, क्लेशों का नाश करता रहता है। कृष्णा हे कृष्ण, वासुदेवाय हे वासुदेवाय, हरिये हे हरि, परमात्मने हे परमात्मना हे परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय। प्रणाम करने भर से हम कुछ नहीं कर सकते, और हम केवल आपको केवल प्रणाम कर सकते हैं।
प्रणतः क्लेश नाशाय, और हमारे केवल इस प्रणाम करने भर से हमारे क्लेशों का नाश करो। हे राधा गोविंद, आपको नमस्कार है, ये इस मंत्र का अर्थ है। और इसको समझते हुए इस मंत्र का मानसिक जप करने वाले क्लेश मुक्त हो जाते हैं। बड़ा उपयोगी मंत्र है। कृष्ण का हम देखें, जहाँ कृष्ण है वहाँ गाय बंधी है। घी दूध दही मक्खन कृष्ण को बहुत प्रिय रहे। माता यशोदा मांगने पर नहीं दे तो चुरा कर भी खाना, इसलिए उनका एक नाम माखन चोर पड़ा। लेकिन क्या कभी हमने ध्यान दिया कि जब उनका जन्मदिन आता है जन्माष्टमी, तो प्रसाद के रूप में धनिये की पंजेरी अवश्य बनाई जाती है। क्यों, क्या कारण है, क्या संबंध है कृष्ण का धनिये से, शायद कम लोग जानते हैं, समझते हैं थोड़ा इसको। पर्यावरण की व्यवस्था कुछ गड़बड़ा सी गई, इस वजह से कुछ वर्षों से देख रहे हैं हम कि प्रायः सावन सूखा सा जाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सावन है ही वर्षा के लिए। सावन झड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सावन भर बारिश होती है। और जन्माष्टमी कब आती है, सावन के बाद, भाद्रपद मास में, अष्टपक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। अष्टमी जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद मास हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, वृषभ का चंद्रमा हो, रोहिणी नक्षत्र हो, ये सारे संयोग जिस समय मिलेंगे उस समय कृष्ण का जन्म मनाया जाए, जन्माष्टमी मनाई जाएगी। क्योंकि उनके जन्म के समय भी यही संयोग था, ये जिस दिन रिपीट होगा उस दिन जन्माष्टमी होगी। तो हम देखते हैं थोड़ा सा, हमारी संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और कहते हैं कि शरीरस्य खलु धर्म साधनम्, जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का साधन हम शरीर से ही कर सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो धर्मों का पालन नहीं कर पाएंगे। धर्म के पालन के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, और शरीर का स्वास्थ्य वो निर्भर करता है हमारे भोजन पर, भोजन की पाचने पर। यदि पाचन शक्ति कमजोर हो, यदि जठराग्नि ठीक नहीं हो, तो कैसा ही पौष्टिक भोजन किया जाए वो शरीर को पौष्टिकता प्रदान नहीं कर सकता। सावन निकल चुका होता है, सावन में बारिश होती है, पानी बदल जाता है, और ये बदला हुआ पानी जन सामान्य की जठराग्नि को कुंद कर देता है, उसे थोड़ा मध्यम कर देता है। इसलिए देखा होगा सावन बरसात में खाना आसानी, भोजन आसानी से पचता नहीं है, यही कारण है उसका। और इस सावन के बीतने के बाद जब कृष्ण की जन्माष्टमी आती है तो उसे जोड़ दिया गया उसके साथ उस धनिये की पंजेरी को। धनिया अग्नि को, जठराग्नि को, पेट की आग को, उसकी भोजन की पचाने की क्षमता को प्रदीप्त करता है। मंदाग्नि का उपचार है, दवा है उसकी, औषधि धनिया। अब वैसे तो हम कितनी सी लेंगे प्रसाद के रूप में, इतनी सी, लेकिन घर घर में कृष्ण का पूजन होना है, घर घर में उनको नैवेद्य लगाया जाना है, तो घर घर में पंजेरी बननी है। वो जब घर घर में बनेंगी, पहले घर घर में, इस घर से उस घर में, उस घर से इस घर में, लेकिन घर में मात्रा उतनी हो जाती है, फिर जब इतनी बनेगी तो 5-7 दिन खाने में आएगी, सबके खाने में आएगी, तो वो जो नुकसान हुआ है जठराग्नि का उसको वो कवर कर देगी, उसका पूर्ति हो जाएगी, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगा। यही कारण है कि हम जन्माष्टमी के दिन धनिये की पंजरी अवश्य बनाते हैं, और अवश्य बनानी चाहिए। इस रहस्य को समझने के बाद तो फिर इस बात पर और ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ति करें। इसी भगवान कृष्ण से, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।